MBBS in Ukraine. So Ukraine is a very beautiful country in Eastern Europe. Its capital is Kiev and MBBS program duration, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वहाँ पर MBBS का duration जो होता है वो 5.8 to 6 years होता है, almost 6 years, जिसमें से आपके first 3 years आपको theoretical knowledge दी जाती है and last 3 years आपको practical knowledge दी जाती है, जिसमें आपकी hospital visits include होती है। अब हम बात करेंगे कि what are the benefits of studying MBBS in Ukraine? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं दैट आर 200 ईयर ओल्ड, मतलब बहुत ही पुरानी और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके थ्रू आपको MBBS करने का मौका मिलेगा और अच्छी टीचर्स है, जो फैकल्टीज है दे आर ऑल्सो इन PhD इन मेडिसिन। और जहां तक की बात आती है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, क्योंकि इंडियन में ये होता है कि गर्ल चाइल्ड है तो वहां पर जाके सेफ होगी कि नहीं होगी, तो यूक्रेन में सेफ्टी बहुत ज्यादा इंश्योर करी जाती है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है वहां के, और वहाँ पर हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी है और आपको खुद मेस प्रोवाइड करे जाते हैं, इंडियन फूड अवेलेबल है और रेशो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इज मोर, मतलब वहाँ पे ये कि अगर इंडिया से जो बच्चे जाते हैं उनकी ऑल कोर्सेज को इन्वॉल्व करें, हम ऑल कोर्सेज इंक्लूड करें, तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की रेशियो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ज्यादा है। हॉस्टल में इंडियन फूड फैसिलिटी है एंड उसके बाद MBBS कॉलेज की जो डिग्री है वो आपको रिकॉग्नाइज्ड है बाय NCI, WHO एंड यूनेस्को। एंट्रेंस एग्जाम की कोई जरूरत नहीं होती है उसके एग्जाम के लिए, आपने अगर नीट दी है तो दैट इज इनफ, मतलब ये है कि नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब इंडिया के लिए क्या होता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आपको स्कोर चाहिए, बट यहाँ पर आपका नीट क्वालिफाइड होना इज इनफ। नो डोनेशन, डिग्री एक्सेप्टेड इन ऑल कंट्रीज, मतलब अभी तक तो ये होता था कि आपको MCI का एग्जाम देना पड़ता था अगर आप वापस आते थे, वो भी खाली फॉरेन स्टूडेंट्स को, बट अब ये है कि अगर आप वापस आ रहे हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स और फॉरेन स्टूडेंट्स जो दोनों पढ़ के आ रहे हैं दोनों के लिए एक इक्वल लेवल है, दैट इज नेक्स्ट एग्जाम जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से लागू होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो 50% इन PCB, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको 50% मार्क्स आने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और साथ ही साथ आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो बस यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऑन द स्पॉट एडमिशन हो रहा है टू द यूनिवर्सिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड, और ये चीज भी है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पहली चीज आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है और आपका जो एजुकेशन है वो भी बेटर हो रहा है, लाइफस्टाइल भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो मतलब पूरा आपका ऑल इन वन चेंज हो रहा है, तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं अगर आप बाहर से करते हैं तो। साथ ही साथ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, यूक्रेन का वीजा प्रोसेस में बहुत ईजी है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तो वीजा प्रोसेस का यहाँ का जो फॉर्मेलिटीज है दे आर वे लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में मैं आपको फर्दर और वीडियोस में बताने वाली हूँ, तो मैं आपको पहले यूनिवर्सिटीज का नाम बता देती हूँ जो वहाँ की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। सो इट इंक्लूड लिविव मेडिकल, लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज इन लिविव सिटी, देन कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी UAFM विच इज इन द कैपिटल सिटी कीव, देन तरस शेवशेंको नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव, देन ओओ बोगोमोलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज ऑल्सो इन कैपिटल सिटी कीव, then Kharkiv National Medical University which is in Kharkiv city, then VN Karazin Kharkiv National Medical University that is also in Kharkiv city, and last is Vinnytsia National Medical University in Vinnytsia city। तो इन सब यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इनका क्राइटेरिया क्या है और क्या वहाँ पे लाइफ है आपकी, एंड वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बताने वाली हूँ। और भी आपको कोई भी डाउट हो विच इज रिलेटेड टू यूक्रेन आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड आगे की वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।